तो आज हम बना रहे हैं कुछ हटके। मैंने सोचा आज कुछ हटके बनाती हूँ। तो इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी। कुछ चीज़ मेरे पास बच गई थी, मैं आज उसी का यूज़ करने वाली हूँ। और बहुत डिफरेंट है, हम अक्सर खाया करते हैं, वो बच भी जाती है। तो मैं क्या बना रही हूँ तो आप देखना। 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है एक पैन में। और ये मेरे पास है ना हरा भरा पालक के पत्ते हैं। इसकी डंडियाँ मैंने यूँ नहीं तोड़ी थी क्योंकि ये ना ज़्यादा टाइट नहीं थी और इनको मुझे पीसना है, इसीलिए मैं इसको ना बिल्कुल भी नहीं तोड़े हैं। अब इसको ना हम बॉईल करने रख देंगे। उसको मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो आज मेरे मन में कुछ अटपटा चटपटा करने का मन हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो मेरा पालक बॉयल हो गया है। अब एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1-2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो ये जीरा भी डांस करने लगा है, चारों तरफ भांगड़ा डांस हो रहा है इसके जीरे के। अब इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च दोनों साथ ही डाल दी हैं। एक बड़ा सा प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्ची ले ली। ज़्यादा मुझे तीखी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं बच्चे भी थोड़ा कम तीखा खाते हैं। स्पाइसी आप जैसा खाना चाहें आप उस हिसाब से रखें। तो इसको एकदम प्याज को है ना हम है ना ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, ज़्यादा ना एकदम नहीं सेकना है इसको, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है इसको। और ये प्याज अच्छा सा हो गया, इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक से क्या है, प्याज अच्छा सा जल्दी भुन जाता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये है धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची, तीखा आप जैसा खाना चाहें, आप अपने स्वाद की अकॉर्डिंग रखें। मैं तो हल्का फुल्का ही खाती हूँ, आप कैसा खाते हैं आप उसी हिसाब से रखें। और इसमें मैंने हल्का सा आमचूर पाउडर डाल दिया है। ये है मेरा पालक पिस चुका है, ठंडा हो गया ना, इसीलिए इसकी ऐसी पिटाई हो गई, तो ये एकदम मसल गया। अब इसको मैं प्याज के अंदर ही अच्छा सा भून लूँगी ताकि ये ना अच्छा सा भुन जाए और इसका और थोड़ा सा कच्चापन इसमें दूर हो जाए। ये है मेरे पास बचे हुए चावल। अक्सर चावल बच जाते हैं तो मैं आज है ना एकदम ग्रीन राइस बना रही हूँ। तो इसमें हमने ना और ऐसे बना रही हूँ कि हमारे घर पनीर ना हो तो भी मैं इसको ना पनीर के ऐसे बना दूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि बिना पनीर के कैसे बन रहे हैं। तो ये मैंने इसको ना पालक में अच्छे से मिला दूँगी। आप है ना ये क्या डाल रहा, ये है घर का पनीर, यानी बारीक बारीक और जो मेरे पास है ना उबला हुआ आलू था उसके ऐसे पनीर के टुकड़े ऐसे काट लिया, इसको है ना मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, बस ये वही आलू है। और इनको कोई कह नहीं सकता कि ये आलू है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आलू है। तो गाइस आज हम है ना ऐसे ही राइस बना रहे हैं, जो घर में रखे हुए चावल, घर में रखे हुए आलू, तो उनको है ना कैसे फ्राई करते हैं। नमकीन चावल तो आप बहुत खाते होंगे लेकिन आप इस तरह बनाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे। तो गाइस आपके पास चावल बचे तो आप ऐसे चावल को ज़रूर ट्राई करें। आपको है ना मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। और इसमें डालेंगे घी, घी नहीं डालेंगे तो यार चावल में स्वाद नहीं आता है। तो आप घी तो आपको खाना बनता है, सर्दियों में तो जितना खाओ उतना ही थोड़ा है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपके साथ घी वाला वीडियो शेयर करूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज लाइक करना, मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो बनता ही है, अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। देख रहे हो आपकी मटर पुलाव भी फैल है इसके सामने। तो गैस आ जाइए खाने के लिए, मैंने प्लेट लगा दी है। ओ मस्त, ये है मेरे ग्रीन ग्रीन हरे भरे चावल। कोई कहता है कि इसमें आलू डले, मैं बोल रही हूँ कि आलू है। तो आज मेरा कुछ डिफरेंट बनाने का मन हुआ तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँ। आज मैंने यही बनाया तो प्लीज़ आपको एक लाइक तो बनता है।